आज इस वीडियो में हम मशरूम की खेती के विषय में कुछ बेसिक जानकारी दे रहे हैं। बाजार में मशरूम 300 से 350 रुपये प्रति किलो के हिसाब से है और थोक का रेट इससे 40% कम होता है। इसे बड़ी मांग के चलते कई किसानों ने पारंपरिक खेती को छोड़कर मशरूम उगाना शुरू कर दिया है। आजकल लोग बहुत ही सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं, इसलिए कुछ दिनों से इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी है। मशरूम में क्योंकि बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिनके कि हमारी बॉडी को बहुत ही आवश्यकता होती है, और साथ ही एक फाइबर का भी अच्छा माध्यम होता है। बहुत सारी बीमारियों में मशरूम को खाया जाता है, जिससे कि ये दवाई के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें कैलोरी ज़्यादा नहीं होती। मशरूम में कई महत्वपूर्ण खनिज विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन बी डी पोटेशियम कॉपर आयरन और सेलेनियम की पर्याप्त मात्रा होती है। इसके अलावा मशरूम में क्लोरीन नाम का एक खास पोषक तत्व पाया जाता है जो मांसपेशियों की सक्रियता और याददाश्त बरकरार रखने में बेहद फायदेमंद रहता है। इन्हीं सब बेनिफिट्स की वजह से मशरूम बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है और इसमें मुनाफा भी बहुत ही अच्छा खासा होता है। इसलिए बहुत सारे किसानों ने इस खेती को अपना लिया है। मशरूम को पैदा करने के लिए आप ट्रेनिंग सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और कृषि अनुसंधान केंद्रों से ले सकते हैं। अगर आप इसे बड़े पैमाने पर खेती करने की योजना बना रहे हैं तो बेहतर होगा एक बार इसकी अच्छी ढंग से ट्रेनिंग कर लें। अगर जगह की बात की जाए तो प्रति वर्ग मीटर में 10 किलोग्राम मशरूम आराम से पैदा किया जा सकता है। कम से कम 40x30 फुट की जगह में 3-3 फुट चौड़ी रैंक बनाकर मशरूम उगाए जा सकते हैं। $50,000 लगाकर 2.5 लाख रुपये की कमाई का बटन मशरूम की खेती के लिए कंपोस्ट बनाया जाता है। एक क्विंटल कंपोस्ट में 1.5 किलोग्राम बीज लगते हैं। 4 से 5 क्विंटल कंपोस्ट बनाकर करीब 2000 किलो मशरूम पैदा हो जाता है। अब 2000 किलो मशरूम कम से कम 150 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है तो करीब 3 लाख रुपये मिल जाएंगे। इसमें से 50,000 रुपये लागत के तौर पर निकाल दें तो भी 2.5 लाख रुपये बचते हैं। हालांकि इसकी लागत 50,000 रुपये से ही कम ही आती है। कंपोस्ट को बनाने के लिए धान की पुआल को भिगोना होता है और एक दिन के बाद इसमें DAP, यूरिया, पोटाश, गेहूँ का चोकर, जिप्सम, कार्बोफ्यूडोरन मिलाकर इसे सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। करीब 1.5 महीने के बाद कंपोस्ट तैयार होता है। अब गोबर की खाद और मिट्टी को बराबर मिलाकर करीब 1.5 इंच मोटी परत बिछाकर उस पर कंपोस्ट की 2-3 इंच मोटी परत चढ़ाई जाती है। इसमें नमी बरकरार रहे इसके लिए स्प्रे से मशरूम पर दिन में 2 से 3 बार छिड़काव किया जाता है। इसके ऊपर 1 से 2 इंच कंपोस्ट की परत चढ़ाई जाती है और इस तरह मशरूम की पैदावार शुरू हो जाती है। आपके आसपास भी आप गूगल में सर्च करेंगे तो कहीं पर भी मशरूम की ट्रेनिंग के लिए आपको जगह मिल जाएगी जहां पर आप जाकर मशरूम उगाने की ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपना मशरूम का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कहीं भी आप किराए पर ज़मीन ले सकते हैं, उसमें रैक्स वगैरह बनाकर एक रूम में कहीं हॉल ले लें, वहाँ पर रैक्स वगैरह बनाकर वहाँ पर इसको उगाया जाता है। लेकिन थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको ट्रेनिंग लेना ज़रूरी रहता है, जिससे कि ट्रेनिंग भी 5 से 7 दिन में कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद क्योंकि सारी जानकारी आपको हो जाती है, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी, जिसके बाद आप खेती आराम से कर पाएंगे और कमा पाएंगे।